नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। नवरात्रे इस समय चल रहे हैं, आज दुर्गा अष्टमी है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं जो हूँ तवी के तट पे हूँ और यहाँ पे मेरे साथ जम्मू के नौजवान हैं। क्या रिलेशन है जम्मू तवी का और नवरात्रों का, इसको मद्देनज़र रखते हुए दो दिन का इको फ्रेंडली मेला जो है वो विक्रम चौक के पास तवी तट के पे लगाया गया है। और यहाँ पे एक संस्था नहीं, दो संस्था नहीं, तीन संस्थाएं नहीं, अलग अलग लगभग 10 के करीब ऐसी संस्थाएं हैं जो बाहर आई हैं, एक साथ मिलके तवी को किस तरीके से पोल्यूशन से बचाया जाए उसके ऊपर बातचीत की है। जहाँ एक तरफ जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए जो है आज लंगर और इसके साथ साथ मेले में एग्जीबिशंस रखी गई हैं वोकल फॉर लोकल के तहत, जो है ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रखी हैं। क्या कुछ है पूरा आज के इस मेले में, आइए देखें। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में जब हम कलेक्टिवली काम करेंगे ना एज अ ग्रुप, अब आप देख रहे हैं कितने सारे संस्था जुड़ गए हैं और सब लोग के मतलब सोच और इनके जो इनिशिएटिव है अलग है। Somebody is doing saving जम्मू from hunger, इनका बहुत ही अच्छा आइडिया है। कोई साबुन बना रहे हैं, कोई इको फ्रेंडली के छापरी के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ बना रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। कोई हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है छोटी सी बच्ची, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, फूल और टॉयज़ वगैरह बना रही हैं, इको फ्रेंडली है पूरा। और फिर हमारे आगे भी हैं जो एक्रेलिक का बना रहे हैं, ये सब यंगस्टर्स हैं जम्मू के और हमारी नई पीढ़ी है और ये अपने कदम से एक छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं अंडर वन रूफ सबको इकट्ठा किया जाए एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, क्योंकि एज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन अचीव मच मोर एंड आई एम देयर टू सपोर्ट ऑल ऑफ देम टू टेक द लीड एंड गेट एज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट टू वॉलंटियर टू कम फॉरवर्ड टू मेक जम्मू अ ब्यूटिफुल न्यू हराइजन। सर पहले तो सबको जय माता दी, बिकॉज़ आज हम ये इको मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे हमारे साथ इनारा है, दिशा है, क्लाइमेट फ्रंट है, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी हैं, ये सारे आज मिलके हमारे साथ एक इको मेला हमने एक आइडिया हमने अडॉप्ट किया था सो दैट हम अपने रिवर तवी को सेव कर सकें। हमारा मोटिव जो ये इसका यही है कि हम कैसे रिवर को कैसे प्लास्टिक फ्री करें, बिकॉज आप देखते हो कि आते जाते सब जो भी कूड़ा कचरा है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह सारा रिवर तवी में डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो चीज़ के लिए हमने ये इको मेला ऑर्गेनाइज़ किया। अब मेला है तो मेला में तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रहती हैं, जैसे हमने और भी जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लंगर भी है 2 डेज़ का 29th and 30th के लिए रखा हुआ है, और हमारे यहाँ पे ये शिल्पकारी वाले आए हैं जो कि सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह उनके लिए भी एग्जीबिशन रखी गई है। वहाँ पे हमारे और भी वॉलंटियर्स हैं, NSS के भी वॉलंटियर्स आए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि क्यों ना एक सब NGO अपना अलग अलग इंडिविजुअल सब कभी कुछ ड्राइव कर रहे हैं। आपकी NGO किस फील्ड में जो है वो ऑपरेट कर? जी मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम ही फ्लॉग गिविंग जम्मू नाम है मेरे NGO का मैंने स्टार्ट किया था। मेरा यही था कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है जैसे फूड, तो मेरा यही था मोटिव कि मैं क्यों ना जो भी हमारे जम्मू के रोड साइड पीपल हैं उनको मैंने ड्राइव्स 2-3 ड्राइव्स की हैं जिसमें मैंने उनको फूड को डोनेट किया हुआ है। अब जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, अब आपको बताओ ऑब्वियसली बात है मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ तो मेरे पास तो फंड्स का रहता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी कभी भी पोस्ट जो भी मेरी ड्राइव होती है मैं उसके लिए क्या करती हूँ रॉ मटेरियल सबको बोलती हूँ कि जो भी जितना भी जिसका मन है वो उतना रॉ मटेरियल दें, और उसके बाद फिर मैं पूरी ड्राइव चलाती हूँ। मेरे साथ और भी जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स आते हैं हेल्प करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है कि आज अभी हमारे पास क्या आई, अभी हम वर्किंग तो है नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, बट स्टिल सब हार्डवर्क करते हैं। मेरे साथ और भी बच्चे हैं मेरी एज के आते हैं हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट कि काफ़ी मोटिवेटेड है इस तरीके की स्टोरी सुनना, और उम्र छोटी है काम बड़ा है, बात यही है कि कोई भी भूखा ना रहे और इसी को मद्देनज़र रख के ही इन्होंने अपनी NGO जो है वो स्टार्ट किया और यहाँ खुद भी काम कर रहे हैं और बाकियों को भी जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखिए 2-3 साल से हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेशन ड्राइव करते आए हैं, हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक सेग्रीगेट कर रहे हैं और सारे NGOs इनारा, क्लाइमेट फ्रंट, लिव फॉर अदर्स, दिशा, हम सब मिलके ये चीज़ करते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, बट हर बार हम ये डिस्कशन करते थे कि यार हम लोग सेग्रीगेट तो कर रहे हैं बट क्या लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हमने रियलाइज़ किया कि लोगों की जागरूकता के लिए हमें थोड़ा और करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है जिसमें एक इको मेला लाया है और बिजनेसेस को भी लेके आए हैं, बहुत सारे और सामाजिक तत्वों को इकट्ठा किया है, कम्युनिटी को इकट्ठा लाया है जम्मू की, और लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि नवरात्रा और तवी
मतलब हम देखो नवरात्रा इतने सालों से बन रहा है और जब भी जम्मू वाले नवरात्रा को मनाते होंगे तो तभी में ही परवाते हैं ना साख, और वो बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से, राजा महाराजा के टाइम से चल रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा तवी के साथ कनेक्शन नवरात्रों की वजह से, कि हम लोग ऐसे तो हम लोग रोडों पे चलते रहते हैं, कभी तवी के अंदर नहीं आते, बट नवरात्रे के जरिए हम तवी माँ को एक बार पूछते हैं, एक बार आते हैं। तो हमारी ये मुहिम थी कि हम लोग नवरात्रों को तवी का फेस्टिवल भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि तवी के लिए कोई फेस्टिवल नहीं है। गंगा को लोग सेलिब्रेट करते हैं, यमुना को कोई लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट तवी को क्यों नहीं करता? तो जम्मू वालों को जागरूक हो रहे हैं लोग, हम तो हो गए, बाकी वेट कर रहे हैं, बाकी लोग भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो अगले साल फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी जो है काफ़ी उत्साहित दिख रही है, जागरूक भी दिख रही है, लेकिन फिर कौन सा ऐसा तबका है जो जागरूक नहीं है आपके मुताबिक? देखिए मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कौन सा ऐसा तबका है, फिर भी कहीं ना आपको लगा होगा ना कि जागरूक नहीं हो रहे हैं तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके चलते बाकी लोगों को हम जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, सोच की तरफ अट्रैक्ट कर सके। नहीं, ऐसा आपकी बात सही है कि काफ़ी सारे लोग, देखिए जब हम लोग यहाँ पे करते थे सफाई तो काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि ये क्यों कर रहे हैं, इससे ये बाधा डाल रहे हैं हमारे विसर्जन में। जैसे आज भी काफ़ी लोगों ने बोला है, जैसे जेएमसी ने ऑर्डर निकाला, अब तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, 3 साल से यही बात एनजीओ कर रहे थे कि प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए। हम साख के लिए नहीं बोलते थे कभी, बट प्लास्टिक के लिए नहीं बोलते थे, तो लोग हमसे लड़ाई भी करते थे। तो ये रियलाइजेशन हमारे अंदर आए कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस बात पे साथ मिलके इकट्ठे आना चाहिए और जम्मू को आगे बढ़ना चाहिए, तभी उनकी भी है, हमारी भी है। तो ये मैसेज क्लियर रहना चाहिए कि तभी सब लोगों की है, एनजीओ अकेले दो दिन का लंगर भी लगा लिया। हाँ, लंगर पिछले साल भी लगा था, हम लोग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, लंगर लगाते हैं। अभी देखा आपने, कुंवर रानी भी आई थी, ऋतु सिंह जी, उन्होंने भी हम लोगों को आके उत्साहित किया, बहुत अच्छा हमारा मनोबल बढ़ाया, इंस्पिरेशन लाई। तो ऐसे कई सारे लोग, कल आपको और गेस्ट मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे, आइए आप, आपको तो हम लोग स्पेशल इन्वाइट करते हैं, आप आइए, सबको दिखाइए, अपने व्यूअर्स को दिखाइए क्या क्या हो रहा है जम्मू में तवी के नाम पे, और किस तरीके से ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आई थिंक सब लोगों को जाना चाहिए। सर, जैसे कि अभी यहाँ पे सोशल जो सोसाइटीज़ हैं, ये काफ़ी सालों से यहाँ पे मतलब कि ये सेग्रीगेशन ड्राइव चला रही थी, तो अब हमने इस बार क्या कोशिश की कि हम जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हम मिल के एक यहाँ पे मेला आयोजित करते हैं, क्योंकि सो दैट यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ मिल नहीं पाती है जो मतलब कि होनी चाहिए। तो हमने कोशिश किया कि रामनवमी पे एक हम मेला लगाएं, सो दैट यहाँ पे एग्जीबिशंस भी हो, लंगर भी हो, फूड भी चल रहा है, बीच में परफॉर्मेंसेस भी चल रही है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी यहाँ पे यात्रु आ रहे हैं उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट लगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो आएँ तो बच्चे भी उनको थोड़ा इंकरेज करें कि नहीं नहीं मम्मी वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं। थिंक टैंक्स कहाँ बिठाए हैं इस तरह के सोचने के लिए? सर, अभी जैसे कि यूथ है, हमारा दिमाग चलता रहता आगे पीछे, तो कोशिश यही करते हैं कि हमारा जम्मू मतलब कि बाकी सब सिटीज़ से काफ़ी पीछे रह चुका है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम जम्मू को भी अवेयर करें, जम्मू को भी थोड़ा ऊपर लेके जाएं, सो दैट वो भी उनके साथ बराबरी कर सके, क्योंकि जो बाहर के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो जम्मू में लगाए तो जाते हैं बट वैसा जम्मू के लिए कुछ किया नहीं जाता। जैसे कि अभी रिसेंटली बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, तो प्रॉपर्टी टैक्स इनको पता है कि लगाना है बट इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका चीज़ पर ध्यान नहीं जाता कि अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तभी तो वो देंगे, उस चीज़ पे इनका ध्यान नहीं जाएगा। चलो, तभी भी आते हैं, तभी साफ़ सफाई भी आते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? हाँ, हम यही मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पे तभी में माता परवाने आ रहे हैं, वो सिर्फ माता ही परवाएं, अपने साथ प्लास्टिक को या कोई ऐसी चीज़ मत नहीं बिहाएँ जिससे हमारी तभी दूषित हो। बहरहाल, आपने देखा कितनी खूबसूरती से नवरात्रों का तवी का रिलेशन जो है वो यहाँ पे लोगों को समझाया जा रहा है, और इसके साथ साथ लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि सिर्फ अपने साथ जो है साग विसर्जन करें, बाकी की जो चीज़ें हैं प्लास्टिक है वो तवी नदी में ना फेंकें, ताकि और ना ही जल प्रवाह करें, क्योंकि इससे जो है वो कहीं ना कहीं तवी जो है पोल्यूटेड होती है, और वह लोग जो तवी नदी के जो ऊपर ब्रिज है वहाँ से लिफाफे फेंकते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं, उनसे भी गुहार लगाई जा रही है कि कृपया करके आप भी तवी के बीच में इस तरह के पोल्यूशन को ना फैलाएं प्लास्टिक फेंक कर। बहरहाल, आपके क्या वैल्यूबल राय है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये मेला 2 दिवसीय है, आज अष्टमी के दिन, कल नवमी के दिन भी इधर ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए तो ज़रूर आप आके यहाँ पे मिल सकते हैं। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन राकेश खजूरिया के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।